खबर आ रही है बांदीकुई से। बांदीकुई आगरा रेल मार्ग के मध्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह से विद्युतीकरण इंजन से संचालित ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। बांदीकुई भरतपुर आगरा रेल मार्ग के बीच रेल इलेक्ट्रिक लाइनों के मध्य पूर्ण हुए कार्य को करीब एक साल का समय बीत गया है, लेकिन सीआरएस निरीक्षण में अनुमति मिलने के बाद भी रेल मार्ग पर विद्युत इंजन से ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। अब रेलवे द्वारा 1 अप्रैल से यात्री ट्रेनों का विद्युतीकरण इंजन से संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं बांदीकुई स्टेशन से भरतपुर आगरा की तरफ गुजरने वाली डीजल इंजन से संचालित ट्रेनों को आगरा फोर्ट स्टेशन पर पहुंचने के बाद आगरा से आगे संचालित करने के लिए इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया जाता था। इसके चलते डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन बदलने पर काफी समय व्यर्थ होता था।